हेलो फ्रेंड, तन्वी किचन चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं आपको बताऊंगी ठंड में दही किस तरह से जमाते हैं। तो ये मैंने दूध ले रखा है, ये फुल क्रीम दूध है। तो ये दूध है करीबन आधा किलो। तो इसका मैं दूध आपको जमा के बताऊंगी। बिल्कुल सर्दियां पड़ रही है और सर्दियों में दही किस तरह से जमाया जाता है वो आपको मैं तरीका बिल्कुल आसान तरीका बताऊँगी। मैं किस तरह से जमाती हूँ दही को, और बिल्कुल डेयरी का जैसा दूध जम के रेडी होएगा और बहुत ही आसान है सर्दियों में दही जमाना। कई लोगों को हरदम यही परेशानी रहती है कि सर्दियों में दही जमता नहीं है। तो आपको मैं एक तरीका बताऊंगी कि मैं दही किस तरह से जमाती हूँ। तो देखिए, ये मैंने फुल क्रीम दूध ले रखा है और मैं इसको गर्म करूँगी। और मैंने पहले से ऑलरेडी इस दूध को गर्म कर रखा था और दोबारा से मैं गर्म करूँगी इसको। तो देखिए, दूध को मैंने गरम कर लेना है और हमें मीडियम ही गरम करना है, ज़्यादा तेज़ नहीं रखना है। यदि आप ज़्यादा तेज़ दही में वो दही डालोगे दूध में तो आपका दही दूध फट सकता है। तो इसलिए हमें ज़्यादा गरम भी नहीं करना और ज़्यादा ठंडा भी नहीं रखना है, मीडियम ही रखना है। तो देखिए, ये दूध मैं इसमें डाल दूँगी बाउल्स में, और अब इस दूध को हम डाल के और फेंटेंगे अच्छे से पहले। तो देखिए, ये दूध हमारा गरम कर लिया हमने दोबारा से। तो इस दूध को मैं एक बार फेंटूंगी 3-4 बार। इसको दूसरे बर्तन में हमें फेंट लेना है और फेंट के और हमारे इस दूध को हमें उंगली दे के चेक करना है कि हमारी उंगली दूध गरम कितना है, उसको सेंध कर पा रही है कि नहीं। यदि सेंध करने लग जाएगी तो इसका मतलब हम इस दूध को जमा सकते हैं। और यदि आपका ज़्यादा दूध गर्म रहेगा और उसमें दही डाल दोगे तो आपका दूध फट जाएगा। कई लोग क्या होते हैं कि दही डाल के और फिर फेंटते हैं, उससे दूध फट जाता है। पर मैं इस तरह से नहीं जमाती हूँ, पहले दूध को फेंटती हूँ। फेंट के और उतना गर्म होना चाहिए जितना कि हमारी उंगली इस दूध के गर्म टेम्परेचर को सेंध कर सके, उतने ही में हमें इसमें दही डाल देंगे। तो देखिए, मैं इसको फेंट लूँगी अच्छे से और अब हमारा दूध ठंडा हो गया है, मीडियम, ना तो गर्म है ना ज़्यादा ठंडा है। तो हमें इस दूध को अच्छे से फेंट लेना है जब तक हमारा दूध अच्छे से ठंडा ना हो जाए। ठंडा नहीं, अच्छे से ठंडा नहीं, जितना हमें गर्म, जैसे ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए। ज़्यादा गर्म में हमें दही डाल देते हैं तो फट जाता है, उतना गर्म नहीं होना चाहिए। हमारी उंगली सहन कर ले उतना ही इस दूध में गर्माहट होनी चाहिए। अब तो देखिए, मैं चेक करके देख रही हूँ कि कितना गर्म है, हमारी उंगली सहन कर पा रही है, इतना गर्म है। तो अब हमारा इतना ही गर्म है तो अब हम इसको जमाएंगे। तो ये मैं सोल ले रही हूँ, गर्म है ये, आप कुछ भी ले सकते हो। गर्म ही कपड़ा लेना है, गर्म कपड़े में ही, अंदर हवा पास नहीं होती है, उसी में ही रखना है। और अब मैं इसमें दही डालूंगी। आप चाहो तो माइक्रोवेव में भी रख सकते हो, माइक्रोवेव में रखते हैं तो हवा उसमें पास नहीं होती, आराम से दूध जम जाता है। तो 1 चम्मच मैंने दही डाल दिया इसमें और इसको मिला लेंगे अच्छे से मिला के। और फिर हमें और इसमें दही डालना है, 2 साइड दही डाल देना और बिल्कुल भी हिलाना नहीं है फिर। तो दोनों साइड मैंने दही डाल दिया है और अब इसको हम ढक देंगे इस तरह से। और सोल हमें 3-4 तरह से हमें सोल कर ली है और अब इसको अच्छे से ऐसे कैसे मैं पैक कर दूंगी और इसमें बिल्कुल भी हवा पास नहीं होएगी और हमारा दूध 3-4 घंटे में बिल्कुल जम के रेडी हो जाएगा। पर मैं इसको नाइट के समय जमा रही हूँ तो सुबह चेक करेंगे कि हमारा दही किस तरह से जमा है, कैसा जमा है। बिल्कुल ढेरी जैसा दही जम के रेडी होएगा, गाढ़ा वाला दही जमेगा बिल्कुल। तो देखिए, मैंने ये दही जमा लिया, अब ये सुबह हो गई है और सुबह हम आपको चेक करके दिखाएंगे हमारा दही किस तरह से जमा है। तो देखिए, अब सुबह हो गई है और मैं आपको दही निकाल के बताऊंगी। हमारा दही बिल्कुल ढेरी की तरह जम के रेडी हुआ है। देखिए देखिए, हमारा दही बिल्कुल शानदार ढेरी जैसा जम के रेडी हुआ है। तो आप भी इस तरह से दही जमा सकते हो। आप तो मेरे दही जमाने का तरीका आपको पसंद आया तो मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो ओके, बाय फ्रेंड।